हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोएक्सियल केबल। ये है सेकंड टाइप ऑफ गाइडेड मीडियम। तो इसका जो डायग्राम है आप देख सकते हैं कितने लेयर्स हैं। पहले एक प्लास्टिक कवर है, उसके अंदर एक इंसुलेटर है, उसके बीच में आउटर कंडक्टर है, फिर और एक इंसुलेटर है, फिर लास्ट में इनर कंडक्टर है। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोटेक्शन के साथ ये केबल बनाए गए हैं। तो इट हैज़ अ सॉलिड कॉपर कंडक्टर एज इट सेंटर लोकेटेड कोएक्सियली विद इन अ सिलेंड्रिकल आउटर कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक कॉपर कंडक्टर है जो कि सेंटर में लोकेट कर रहा है ये पर्टिकुलर चीज विद इन अ सिलेंड्रिकल आउटर कंडक्टर। ठीक है, तो पहले तो सेंटर जो है वो कॉपर के साथ कंडक्टेड है, मतलब एक सॉलिड कॉपर है और वो कंडक्टर भी है। देन ए प्लास्टिक लेयर प्रोवाइड्स इंसुलेशन बिटवीन द सेंटर कंडक्टर एंड द आउटर ब्रेडेड मेटल शीट। तो ये जो प्लास्टिक कवर है वो क्या करता है कि सेंटर कंडक्टर एंड आउटर जो भी मेटल शीट है उनके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। देन आउटर कंडक्टर एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट नॉइज एंड क्रॉस टॉक। तो ये जो आउटर कंडक्टर है बीच में वो शील्ड है, इसीलिए वो नॉइस के प्रोन नहीं है, मतलब नॉइस के अगेंस्ट, क्रॉसटॉक के अगेंस्ट वो काम करता है, इफेक्ट नहीं करता है नॉइस उसको। होल केबल इज प्रोटेक्टेड बाय ए प्लास्टिक कवर। ठीक है, ये तो प्लास्टिक कवर है एंड आउटर कंडक्टर इज एनक्लोज्ड इन अ इंसुलेटेड शीट। तो ये जो आउटर कवर है ये इंसुलेटेड शीट के बीच में कवर है एंड प्लास्टिक कवर जो है वो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया है। तो इसमें बेसिकली पांच चीज है। पहले तो सेंटर में आउटर कंडक्टर है जो कि सॉलिड कॉपर कंडक्टर है और वो दो इंसुलेटर के बीच में शील्ड किया गया है, और बाहर में एक प्लास्टिक कवर होता है फॉर प्रोटेक्शन। और जो इंसुलेटर होते हैं वो लोग काम करते हैं टू प्रोवाइड द इंसुलेशन बिटवीन टू साइड बाई साइड लेयर्स, वो बेसिक चीज है। देन डिस्टेंस बिटवीन द आउटर कंडक्टर एंड इनर कंडक्टर प्लस द टाइप ऑफ मटीरियल यूज फॉर इंसुलेशन द इनर कंडक्टर डिटरमाइंस द केबल प्रॉपर्टी और इम्पीडेंस। तो केबल का प्रॉपर्टी और इम्पीडेंस किससे डिसाइड होता है, डिस्टेंस बिटवीन द आउटर कंडक्टर एंड इनर कंडक्टर, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उससे, प्लस द टाइप ऑफ मटीरियल यूज फॉर इंसुलेटिंग द इनर कंडक्टर। ये इनर कंडक्टर को इंसुलेट करने के लिए कौन सा मटीरियल यूज हुआ है उसी से इम्पीडेंस डिसाइड होता है। तो टिपिकली इम्पीडेंस का वैल्यू 75 ओम होता है फॉर केबल टीवी एंड 50 ओम होता है फॉर इथरनेट, थिन नेट एंड थिक नेट। तो अभी ये थिन नेट एंड थिक नेट क्या है, सो थिन कोएक्सियल केबल इज रेफर्ड एज थिन नेट एंड थिक कोएक्सियल केबल इज रेफर्ड एज थिक नेट। तो थिन कोएक्सियल केबल का स्टैंडर्ड क्या है, 10:2 रेफर्स टू द स्पेसिफिकेशन फॉर थिन कोएक्सियल केबल एंड 10:5 रेफर्स टू द थिक कोएक्सियल केबल। तो ये जो 10:2, 10:5 है, यहाँ पे 2 and 5 क्या है, इट रेफर्स टू द मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ। तो इसका जो सेगमेंट का लेंथ होता है वो रेफर करता है बाय 2 and 5। तो 10:2 है थिन नेट एंड 10:5 है थिक नेट, वो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल, तो उसमें आपको वो लिखना है। और फिर है कोएक्सियल केबल का कनेक्टर। तो दो टाइप के कनेक्टर है, एक है बीएनसी और एक है बीएनसी टर्मिनेटर। तो बीएनसी कनेक्टर यूज होता है किस लिए, टू कनेक्ट एंड ऑफ द केबल टू अ डिवाइस। तो एक केबल के एंड को डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए बीएनसी कनेक्टर यूज होता है। एंड बीएनसी टर्मिनेटर क्यों यूज होता है, यूज इन अ नेटवर्क कनेक्शन टू अ कंप्यूटर और डिवाइस। तो बीएनसी टर्मिनेटर जो है वो कंप्यूटर और डिवाइस में यूज होता है फॉर द नेटवर्क कनेक्शन। तो बेसिकली इट इज यूज एट द एंड ऑफ अ केबल टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सिग्नल। तो ये नेटवर्क में यूज होता है, ये नॉर्मल केबल टू डिवाइस कनेक्शन के लिए यूज होता है। अभी इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, टेलीविजन सिग्नल एंड केबल टीवी नेटवर्क। जो केबल टीवी आप डिश टीवी, स्काई, फिर और क्या क्या डीटीएच है, फिर बाकी जो भी है उस टाइप के केबल टीवी कनेक्शन के लिए, उस नेटवर्क के लिए यूज होता है। देन एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क टू कैरी वॉइस सिग्नल एंड ट्रेडिशनल इथरनेट लैन बिकॉज इट हैज अ हाई बैंडविड्थ।